पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शनिवार को शिलांग में सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है और उनसे आज भी पूछताछ जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज राजीव कुमार और कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब करने वाला है। दे कैन टॉक म्यूचुअली इन ए म्यूचुअल प्लेस, दे कैन कोऑपरेट ईच अदर। इनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने। घोटाले के राजदारों का सवालों से सामना। राजदार आमने सामने बैठेंगे। घोटाले के राज खोलेंगे। शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाला केस में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज भी पूछताछ जारी रहेगी। राजीव कुमार से कल शिलांग में सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में सीबीआई की शिलांग यूनिट के अधिकारियों के अलावा दिल्ली से गए अधिकारी भी शामिल थे। आखिर में सीबीआई की पूछताछ के सामने आना ही पड़ा कोलकाता का पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को। सीबीआई सूत्रों से पता चला है उनके खिलाफ आरोप है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन्वेस्टिगेशन में, उसी एविडेंस को टेम्पर किया है राजीव कुमार ने, ऐसा सीबीआई का आरोप है। राजीव कुमार शनिवार सुबह 11 बजे सीबीआई ऑफिस पहुंचे थे, जबकि सीबीआई के ऑफिस से वो शाम 7:15 बजे निकले। सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए 22 पन्नों के सवाल तैयार किए गए। इस दौरान राजीव कुमार की मांग पर पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी कराई गई। सीबीआई ने इसी केस में आज टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई राजीव कुमार और कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब कर सकती है। I have been asked by Central Bureau of Investigation to attend the Shillong office on 10th at 10 AM. So I am here. I shall attend the office. कुणाल घोष का नाम भी शारदा घोटाले में सामने आया था। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बनी SIT ने कुणाल घोष को गिरफ्तार भी किया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कुणाल घोष ने कई बार जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की। उम्मीद जताई जा रही है कि कुणाल घोष और राजीव कुमार को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने पर घोटाले के कई राज सामने आएंगे। शिलांग से विक्रम दास और कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। विक्रम दास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कुणाल घोष और राजीव कुमार को वो कौन सा समय होगा जिस वक्त आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे और क्या महत्वपूर्ण बातें इस दौरान हो सकती हैं? देखिए, कल 8 घंटे पूछताछ के बाद आज फिर पूछताछ होने वाली है। राजीव कुमार को 11 बजे बुलाया गया है शिलांग का सीबीआई ऑफिस में। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूछताछ का, आज का पूछताछ का, वो है कि तृणमूल कांग्रेस का एक्स एमपी कुणाल घोष, उनको भी आज बुलाया गया है। और जो हम लोग सीबीआई सूत्रों से पता चल रहा है हम लोगों को कि कुणाल घोष और राजीव कुमार को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है, उसका कड़ी संभावना है। और इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि शारदा केस का जब राज्य और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम था जिसका सबसे गुरुत्वपूर्ण ऑफिसर था राजीव कुमार, इसी राजीव कुमार के नेतृत्व में कुणाल घोष को अरेस्ट किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट पुलिस ने उनको अरेस्ट किया गया था। कई साल बाद आज का दिन 2013 में कुणाल घोष अरेस्ट हुआ था, तो अभी 2019 7 साल बाद फिर आमने सामने होंगे राजीव कुमार और कुणाल घोष। और इस वक्त राजीव कुमार का ऊपर आरोप है कि उन्होंने एविडेंस टेम्पर किया है, ऐसा सीबीआई सूत्र का दावा है। और वो जो बोल रहे हैं कि कई ऐसा कॉल रिकॉर्ड्स है, कई ऐसा हार्ड डिस्क है, कई ऐसा लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है जो कि डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें कई इन्फ्लुएंशियल्स का नाम आ सकता है। इसी बात में कुणाल घोष ने सीबीआई को एक पत्र लिखा था, पीएमओ में भी एक पत्र लिखा था। उसके हिसाब से कुणाल घोष को ऐसा कुछ पता है इस एविडेंस टेम्परिंग के बारे में जो कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही महत्व रखने वाली है। इसीलिए कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का एक प्लानिंग है सीबीआई का, ऐसा सीबीआई सूत्र से पता चल रहा है। सिर्फ कुणाल घोष ही नहीं, कुणाल घोष के साथ भी और कई ऐसे इन्फ्लुएंशियल्स है और ऐसे कई विटनेसेस है जिनको भी राजीव कुमार के आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है, ऐसा भी सूत्रों से पता चल रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल विक्रम, ये तमाम डिटेल्स इस बड़ी खबर पर अब तक पहुंचाने के लिए। यानी कि आज वो कड़ियां जुड़ेंगी पयोधी जो कल सवालों में नहीं निकल पाई थी, और आज जब दोनों सामने होंगे एक साथ तो देखना होगा फिर क्या। अच्छा, पूछताछ में सहयोग करना ही था तो राजीव कुमार पहले कर लेते, ये भी बड़ा सवाल।